108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G जैसा पावरफुल गेमिंग चिपसेट, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 5000 एमएच की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 अल्टीमेट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। और गाइज, आज मैं आपको यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ वो सभी के सभी आपको फीचर वाइज भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। साथ ही में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के प्रोस और कॉन्स को भी ऐड कर दिया है। सो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जो कि काफ़ी लंबे समय से इस लिस्ट में है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। हालांकि थोड़ा सा पुराना है जिस वजह से हमने इसे लिस्ट में पीछे रखा हुआ है। दोस्तों, ये फ़ोन है यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो। लेते हैं इस फोन के बारे में, तो ये फोन फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना हुआ फोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम मिल जाती है जो कि इस प्राइस पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलने वाली। और दोस्तों, ये फोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी आता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। रही बात डिजाइन की यार, तो डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन A+ है, जहाँ पर आपको डिजाइन कितना अच्छा दिया गया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाता है। फोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड मिल जाती है। और ये फोन आता है ट्रिपल गार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 12 पर लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर MIUI 13 का जो अपडेट है वो भी रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, MIUI 13 बग फ्री हो चुका है, आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह भी काफ़ी कम मिलते हैं और एड्स वगैरह की शिकायतें भी उतनी नहीं आती हैं, तो ओवरऑल फ़ोन का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फ़ोन आता है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ये डिस्प्ले HDR10 सर्टिफाइड है और इसके अलावा यहां पर आपको 1200 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, तो आउटडोर में फ़ोन इस्तेमाल करने में आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों, डिस्प्ले आपको यहाँ पर A+ मिल जाती है, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का काफी अच्छा मिल जाता है और कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की काफी अच्छी है, आपको यहाँ पर इमेजेस काफी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से 30fps तक, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 30fps तक। तो कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट, जो कि काफी स्टेबल प्रोसेसर है, 8nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी नहीं मिलती हैं और फोन के डे टू डे परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर काफी अच्छे मिल जाती है। और गेमिंग की बात कर ले, तो लगभग आपको यहाँ पर 3 लाख के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे स्कोर हैं, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में फोन में कोई भी शिकायत नहीं आती है। गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों, फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट की स्पीड तो अच्छी देती ही है, साथ ही में आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में फोन 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की, तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा, बैटरी और साथ में दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस, ये सभी काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें, तो आपको यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह मिलते हैं और फालतू की नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, फोन काफी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को यहाँ पर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। 6GB रैम, 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए अभी आपको देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये। वैसे अगर आप बैंक ऑफर्स लगा लें, तो ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये की प्राइस पर। और 15,000 रुपये के हिसाब से दोस्तों अनबीटेबल डील है, अगर आप चाहें तो इसे भी ज़रूर से देख सकते हैं।
और ऐसा तो नहीं है यार कि हम हमेशा दूसरों की ही फोटोज खींचते रहेंगे, हमें अपनी भी तो खींचनी है। सो गाइज, अगर आप यहाँ पर एक अच्छा सा सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T1 5G। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, लिबर्टी आपको अच्छी मिलती है। डिजाइन भी दोस्तों काफी अच्छा दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात कर लेते हैं तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 पर, जहां पर आपको मिलता है फन टच ओएस 12। लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की अच्छी रहती है, वहां पर आपको कोई खास शिकायत नहीं आती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आपको मिलता है 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और अप टू 460 नीट्स के आसपास में आपको यहां पर ब्राइटनेस भी मिल जाती है, जो कि ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर गेमिंग की बात करें तो आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी स्नैपर। फोन का कैमरा सेटअप भले ही आपको यहाँ पर एवरेज मिल रहा हो, लेकिन मेन कैमरा से आपको डे लाइट में काफी अच्छी फोटोज मिलती हैं, काफी अच्छे कलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हालांकि लो लाइट पे दोस्तों यहाँ पर कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 30 FPS तक। अगर आपको यहाँ पर मोबाइल से फोटोग्राफी करने का शौक है तो आप इस फोन को एक बार जरूर देख सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट आता है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर, तो हीटिंग वगैरह की शिकायतें आपको यहाँ पर काफी कम मिलती है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे यूजर्स में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है। गेमिंग के लिए लगभग आपको यहाँ पर 4.25 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस पे और गेमिंग में दोनों में ही आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह जैसे टास्क को भी यहाँ पर कर सकते हैं। फोन के पावर हाउस की बात करें तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से देती है। साथ ही में ये फोन सपोर्ट करता है 18 वोट की चार्जिंग को, 18 वोट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। तो फोन का जो बैटरी मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। फोन के प्रोस की बात कर ले तो आपको यहाँ पर डिजाइन, कैमरा, बैटरी लाइफ और हाँ दोस्तों फोन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, और इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉन्स की बात कर ले तो हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं और हाँ दोस्तों फोन के अंदर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। 4GB की रैम प्लस 4GB की वर्चुअल रैम के साथ में आपको मिलती है 128GB की इनबिल्ट मेमोरी, और इसके लिए आपको देने होंगे 15,990 रुपये। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस लिस्ट के एक ऐसे 4G स्मार्टफोन की, जहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है। दोस्तों ये फोन है यहाँ पर रियलमी का 9 4G। शुरू कर लेते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ ये फोन सिर्फ और सिर्फ 178 ग्राम का है और हाँ दोस्तों इसकी थिकनेस है 8 mm, सो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन भी है। अदर फीचर्स की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक आपको यहाँ पर दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में दो 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 बेस्ड रियलमी के UI 3.0 पर, तो ये काफी अच्छी बात है। लेटेस्ट OS के साथ में आता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। तो अब बढ़ते हैं फोन के मेन फीचर्स की तरफ। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक कॉम्पैक्ट साइज की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, अप टू 1000 नीट्स की ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको यहां पर दी गई है। सो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है। सो अब बात कर लेते हैं फोन की आंखों के बारे में। और दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको मिल जाती है 3-3 आंखें, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का।
साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है, डे लाइट वगैरह में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती है। रही बात दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही मिलता है अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक कैमरा से। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा निराश जरूर करता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 680 का 4G चिपसेट, और ये चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हीटिंग की शिकायत काफ़ी कम आती है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन जहाँ बात आती है परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन स्कोर करता है AnTuTu पर लगभग 2,75,000 के आसपास, जिसका मतलब कि डे टू डे टास्क आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये एक गेमिंग चिपसेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर उतनी अच्छी गेमिंग तो नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी आप इस बजट के हिसाब से डिसेंट गेमिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा फोन के अंदर UFS 2.2 का स्टोरेज लगा हुआ है, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी फास्ट दे देता है। सो देखा जाए तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के अंदर आपको दी गई है 5000mAh की बैटरी, और देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से मिल जाता है। साथ ही में ये फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। रही बात फोन के प्रोस और कॉन्स की, तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6GB रैम, 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 18,000 रुपए की प्राइस पर, जिस दौरान एक्सिस बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर आपको इस स्मार्टफोन पर पूरे 4,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों 4,000 के डिस्काउंट के बाद ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए की प्राइस पर। 14,000 रुपए के अंदर आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं। सो अगर आप चाहें तो इस फोन को भी एक बार जरूर देख सकते हैं। वैसे गाइज यहाँ पर Realme का 8 4G स्मार्टफोन भी हो सकता था, हालांकि थोड़ा सा पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर कैमरा के साथ साथ अच्छी डिस्प्ले और अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। सो अगर आपको यहाँ पर Realme का 8 4G ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली आप उस फोन को भी ज़रूर देख सकते हैं। और आखिर में दोस्तों इस लिस्ट की टॉप पोजीशन पर आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का गैलेक्सी F20 3 5G। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। रही बात दोस्तों फोन के डिजाइन की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजाइन भी आपको इस बार का थोड़ा सा बेहतर मिलता है। बाकी अगर फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाता है। फोन के अंदर आपको सिंगल मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, हालांकि दोस्तों मोनो स्पीकर हैं, लेकिन सैमसंग के आउटपुट काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑडियो के मामले में कोई खास शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड स्लॉट की, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के वन ऑफ द बेस्ट पार्ट की बात करें, तो ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मिलता है 1 UI 4.1। फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि सैमसंग सॉफ्टवेयर के मामले में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये भी स्मार्टफोन का एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये तो हुए स्मार्टफोन के बेसिक फीचर्स, अब जानते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली TFT पैनल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पर सैमसंग की TFT पैनल को यूज़ कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रही बात डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120Hz की रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो ओवरऑल देखेंगे यार, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। और हाँ दोस्तों, अगर फ़ोन के बैक साइड की बात करें, तो बैक साइड में आपको दिए गए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है। और सामने की तरफ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। दोस्तों आप यहां पर मेगापिक्सल पर मत जाइए, सेल्फी कैमरा फोन का काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती है। और स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट में आपको यहां पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स वगैरह भी मिल जाती हैं। साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो ओवरऑल देखेंगे तो कैमरा से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS तक फ्रंट और बैक कैमरा से।
क्योंकि दोस्तों मुझे स्मार्टफोन का एक डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि ये चिपसेट 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए था। सो दोस्तों समय हो चुका है कि हम बात कर ले फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 750G का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पुराना चिपसेट हो चुका है लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी नहीं आती हैं, और दोस्तों बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और मल्टीटास्किंग में कोई शिकायत नहीं आती है। और हाँ दोस्तों, गेमिंग की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 4 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी फोन की अच्छी रहती है। और इसके अलावा आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह भी आसानी से कर सकेंगे। परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 25 वॉट की चार्जिंग को। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन बिना एडेप्टर के साथ में आता है, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर चार्जर नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको चार्जर चाहिए तो अलग से परचेस करना होगा, जो कि दोस्तों मुझे यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज लगा। लेकिन बैकअप के मामले में फ़ोन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। रही बात फोन के प्रोस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 120Hz की डिस्प्ले मिल रही है। इस फोन में आपको यहाँ पर 12 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है, और फोन के अंदर आपको ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन का एक और प्लस पॉइंट है। और फोन के कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन थोड़ा सा ओल्ड टाइप का मिल रहा है। साथ ही में बॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जर नहीं प्रोवाइड किया गया है, और दोस्तों ये फोन आता है TFT पैनल के साथ में। तो ये थे स्मार्टफोन की कुछ डिसएडवांटेज। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू के साथ में जाना चाहते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ में जरूर से जा सकते हैं। 4GB रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। तो अगर आपको अच्छी सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छे कैमरास और एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। सो दोस्तों ये थे वो टॉप 4 अल्टीमेट कैमरा स्मार्टफोन, जहां पर आपको कैमरा वाइज कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, ओवरऑल जो फीचर है फोन के वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। वैसे सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।